सलाम अलैकुम अब्बू। वालेकुम सलाम बेटे, जीती रहो। सलाम अलैकुम अब्बू। वालेकुम सलाम, जीती रहो बेटा। अरे भैया क्या चक्कर है, दुल्हन जैसे कपड़े पहनकर कहाँ जा रही हो मैं? जी वो क्या है ना अब्बू, आज कॉलेज में ड्रामा है, उसमें मैं दुल्हन का रोल प्ले कर रही हूँ। बेटे तुम्हारा कोई पार्ट नहीं है ड्रामे में? मैं तो गवाह हूँ अब्बू। मेरा मतलब है मैं ऑडियंस में हूँ अब्बू। अच्छा तो तुम ऑडियंस में बैठकर ड्रामा देखोगी? ओके ओके, मुझे भी आके बताना इसने कैसी अदाकारी की है। हा? और आप खाली खाली बैठ के घर में क्या करती हो फौजिया? बच्चियों के साथ आप भी चली जाओ। जी भैया ठीक है, चलो घर जल्दी आ जाना, तेरा काम तो बन गया, चल जल्दी चल। अरे मियाँ आज के दिन तो कुर्ता पैजामा शेरवानी पहनना था ना मियाँ? हाजी साहब ये लेटेस्ट जमाना है, ये व्हाट्सएप फेसबुक के दौर में अब ये शेरवानी कुर्ता पैजामा क्या जरूरत है? ये कपड़े नहीं है क्या, ये ब्रांडेड है खाजी साहब। वैसे भी खाजी साहब शेरवानी सिला लिया उन्हें, वो टेलर आईडी रहने की वजह से टाइम पे नहीं दिया, शाम में दे देता, घर को जाके पहन लेगा उन्हें। क्या है कि मियां घर से भाग के शादी कर रहे हैं शायद? आपको कैसा मालूम? एक भी बड़ा बूढ़ा नहीं दिखा तो नहीं मालूम होता। अरे जाओ मियाँ जाओ, जाके किसी बूढ़े बड़े आदमी सरपरस्त को लेके आओ, नहीं तो निकाह नहीं होता। हाजी साहब ये निकाह नहीं पड़े तो ये दोनों बगैर निकाह के हनीमून को चले जाते और इसके जिम्मेदार आप होते, इतना बड़ा गुनाह मिलता खाजी साहब। लाहौल वाला कुव्वत, ये आजकल की नई नस्ल तो मियाँ शैतान के चेले हो गए। खाजी साहब सब थूक दो उन्हें, मंजा बैठे जब से उसका दिमाग कुछ भी काम नहीं कर रहा, हम लोग जो भी उसके दोस्त कर दीजिए बिस्मिल्लाह। अच्छा तो ठीक है मियाँ लाओ, अरे कुछ तुम लोगों का उम्र का सदाकत नामा या कुछ आईडी कार्ड है भी नहीं है? निकल निकल, ये मेरा ये इनका। खाजी की फीस कौन देगा? यार खा देगा। अब पहला गवाह कौन है मियाँ? आमिर खान। अरे ये पहला गवाह आप यहाँ साइन कर दीजिए। ये दूसरे गवाह में कौन साइन करेंगे? अरे लाहौला वाला कुव्वता, अरे मियाँ औरतों की नहीं चलती सिग्नेचर। शहबाज तू कर दे, तू भी पढ़ाना पांच क्लास। हाँ आइए। हाजी साहब जी आपसे कुछ निकाह पड़ा है तो कुछ ऑफर है क्या? काहे का ऑफर मियाँ? बाय वन गेट वन फ्री का ऑफर चल रहा ना। लाहौला वाला कुव्वत, अरे मियाँ ये कपड़े की दुकान है, बाय वन गेट वन फ्री कहते फ्री। लगा आपके आने से भाई साहब। अस्सलाम वालेकुम। क्यों आए हो यहाँ? तुम्हारा और हमारा रिश्ता तो उसी दिन खत्म हो चुका था जब तुमने किसी घटिया खानदान की लड़की के साथ शादी की थी। भाई साहब ये फिरौनियत छोड़िए, किसी को भी अपने खानदान के बलबूते पर इज्जत नहीं मिलती, जो भी मिलती है अपने बलबूते पर मिलती है। और आज आप जिसे एक घटिया खानदान की औरत समझते हैं वो एक आईएएस अफसर है। अफसर हो या कोई हो हमारी बराबरी तो नहीं कर सकती ना। ले जाओ अपनी बीवी को अपने साथ, आइंदा इस घर में आने की कोई जरूरत नहीं। भाई प्लीज चाय पी के तो जाइए। भाभी इनके गुरूर का इससे बुरा नतीजा और क्या हो सकता है कि हमारी बहन बिन बिहाई बैठी हुई है, उसकी जिंदगी तो आप बर्बाद कर चुके, अब खुदारा अपनी बेटियों के साथ ऐसा ना करें, क्योंकि एक बेटी के बाप को इतना गुरूर अच्छा नहीं। भाई साहब ठीक कह रहे हैं। क्या ठीक कह रहे हैं, भले ही मेरी बेटियां कुंवारी रह जाएं, लेकिन नवाब अशफाक अली खान अपनी बेटियों के शादी के सिलसिले में मखमल में टाट का पैवन लगने नहीं देगा, समझी आप? लगता है ड्रामे में अव्वल आई हो, मगर ये ड्रामे के कपड़े और ड्रामे के अदाकारों को यहाँ लाने की क्या जरूरत थी बेटे, वहीं छोड़ाते। अब्बू
ये ड्रामा नहीं हकीकत है। मैंने मुनीर से शादी की है। क्या शादी? और इससे? ये लड़का तो सूरत से ही आवारा बदमाश और सड़क छाप नजर आता है। नवाब साहब, मेरे को आप भी कोई असली नवाब नहीं दिख रहे सूरत से। बदतमीज, ससुर के साथ जबान लड़ाता है। मुबारक हो नवाब साहब, शुक्रिया, आप कम से कम मेरे को अपना दामाद तो मान लिया। हरगिज नहीं, तुम्हारी इस घर में पोजीशन मेरे नौकर वही दुखी जैसी होगी, समझे? कोई बात नहीं नवाब साहब, वक्त बदलेगा तो वक्त के साथ साथ मैं भी एक दिन आपका मुकाम ले लूंगा। बड़ी बात और छोटी सोच का नतीजा दुनिया में ही नजर आ जाता है। भाई साहब मुबारक हो ये सड़क छाप दामाद। अब्बू, हम लोग आपको सलाम करके दुआएं लेने आए थे, मगर आपने मेरे शोहर और आपके दामाद की बेइज्जती की है। इज्जत? इज्जतदार लोग इस तरह की बेइज्जती के काम नहीं कर सकते। अब ये लोग इस घर में नहीं रह सकते, खबरदार। ऐसा लगता है कि तुम सब लोग मिलकर इस घर में नौटंकी का कोई खेल खेल रहे हो। ससुर जी, अब कब तक यहाँ दामाद को आपके खड़ा कर देते? अब मुर्गी बकरा कुछ है नहीं वरम फेरन के लिए। बलि बकरे की नहीं तुम्हारी चढ़ेगी, समझे? आज तो पहला दिन है, संभाल लेता हूँ। तुम्हारे बाबा भी कोई किराक दिख रहे, दवा टाइम पे दे रहे नहीं दे रहे। अब ये लोग इस घर में नहीं रह सकते, तुम लोगों को जाना है तो अभी चले जाओ इनके साथ। नवाब अशफाक अली खान के साथ धोखेबाजी हरगिज नहीं। क्या किराक बूटा है तुम्हारा बाबा? भाई जी, दो चार दिन के लिए इन लोगों को आप अपने साथ ही ले जाइए, इनका गुस्सा ठंडा होते ही मैं इन लोगों को बुला लूंगी। ठीक है भाभी। जीते रहो बेटा। खुदाफिस अम्मी। जीते रहो। चलिए रास्ता बताइए। चलिए। हाँ अम्मी। वालेकुम। मेरा बच्चा, आखिर मैंने तुम्हारे अब्बू को मना ही किया। अब्बू देखो बेटे, बेटा तुम्हारे माँ के समझाने पर आखिरकार हमने अपना गुस्सा थूक दिया और तुम लोगों को कबूल कर लिया है। अब तुम लोग इसी घर में रहोगे, मगर याद रहे कि आइंदा कोई ऐसी हरकत ना होने पाए जिससे इस घर के विखार और हमारे खानदान की इज्जत पर फर्क पड़ता हो। और तुम लोग आज बड़े खुशी के मौके पर आए। तुम्हारी छोटी बहन ने MBA में फर्स्ट एंड फर्स्ट क्लास पास किया है। वाओ। बेटे हिना। जी अबू, अभी आई। आज हम तुम्हें एक गिफ्ट देना चाहते हैं इन सब के सामने। मेरी बेटी MBA में फर्स्ट क्लास पास हुई है। अरे भाई मुबारकबाद दो इसे भी। मेरे बच्चे, बेटे आज तुम MBA में पास हुई हो, मुझे बहुत खुशी हुई है। मेरी तरफ से ये चाबी एक्टिवा की गिफ्ट तुम्हें। लेकिन बेटा थोड़ा हिफाजत से चलाना और ख्याल रखना अपना। अबू, एक्टिवा तो आपने दे दी, इसके साथ एक मोबाइल होता तो बहुत अच्छा था। ना बेटे ना, अच्छा। ऐसी गलती हम नहीं करेंगे। अरे अबू, अगर आप कह देते तो मैं मेरी प्यारी साली को एक नया मोबाइल गिफ्ट देता था। थैंक यू जीजू। अबू, आप नहीं चाहते मैं मोबाइल ना यूज करूं, तो मैं नहीं करूंगी। शाबाश बेटा शाबाश। ओह माय गॉड, ये क्या हो गया मेरे से? ओहो, तुम? सॉरी, आपको कहीं मार तो नहीं लगी? नहीं, ये दरअसल मैं गाड़ी चलाना सीख रही थी। ऐसे गाड़ी चलाए तो लोगों को टकरा मारते, अगर कोई सिखाने वाला नहीं है तो बोलो, मैं आके सिखा देता हूँ। अरे आपके हाथ से तो खून निकल रहा है। तुम्हारे पास तो दुपट्टा होगा नहीं, दस्ती बन देना था। ये फिल्मी डायलॉग बहुत पुराने हो गए हैं। क्या जमाना आ गया यारो, टक्कर भी मार दिए खून भी निकाल दिए, ऊपर से ये वो बोलती जा रही। टेक इट इजी जाने मन, नो 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 टेंशन।